कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने हेतु शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। शिवनी जिले में तीव्र गति से बढ़ रहे कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा PPE किट, इंजेक्शन, दवाइयां, बेड, जीवन रक्षक आवश्यक आदि उपकरण क्रय किए जाने के लिए विधायक निधि से राशि 1 करोड़ रुपए शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दिए हैं और जनता से अपील की है कि मास्क का उपयोग करें और दूरी बनाए रखें और घर पर रहे, सुरक्षित रहे। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार। कोरोना काल भयावह होता जा रहा है, महामारी है। आप सबसे निवेदन है, कर्फ्यू लगा नहीं है ना लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, इसका पालन करें और अपने परिवार की सुरक्षा करने पर अधिक ध्यान दें। मैंने 10 दिन में लगातार जिला अस्पताल में भ्रमण कर रहा हूं और मेरे भाई भी वहां पर भर्ती हैं 10 दिन से, उस वजह से भी मेरा अस्पताल में जाना आना लगातार हो रहा है। वहां की परिस्थितियां भी बहुत गंभीर होते जा रही हैं। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से बात भी कर ली है, पत्र भी जारी कर दिया हूं। मेरी जो विधायक निधि है उसका 1 करोड़ रुपये राशि इस कोरोना काल में इस महामारी से बचने के लिए कैसे आपको उपयोग करना है, कितने बेड बढ़ाना है, कितने ऑक्सीजन सेंटर बढ़ाना है, कौन सी किट चाहिए, कौन से इंजेक्शन नहीं मिल आवश्यकता है और कितना स्टाफ की आवश्यकता है, कहां कहां उस राशि को आप खर्च कर सकते हैं जान बचाने में, आप उसको पूरा उपयोग करें। पूरी विधानसभा ने पूरे जिले के लोगों के लिए वहां पर उपयोग करें मेरी शिवनी में। और मैंने दो एम्बुलेंस दिया था, बखारी और चमारी, तो पता किया CHMO से कि उसमें ड्राइवर नहीं है, उसके लिए भी मैंने बात की हूँ कलेक्टर साहब से कि उसको चालू करवा दें। ड्राइवर की तनख्वाह भी मैं स्वयं दे दूंगा। इस विकराल बीमारी से बचने के लिए हम सबसे विनम्र निवेदन आग्रह है, महामारी है, इसमें हम कौन क्या कर रहा है वो छोड़िए आप। मैं खुद किट पहन के ICU में गया हूँ और भी रूमों में जाके देखा हूँ, क्योंकि हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी इंसान हैं, लेकिन इस बीमारी में वो भी नहीं बच रहे हैं, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है ये महाविकराल बीमारी है, इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा। सब तंत्र फेल होते जा रहा है, जिन पे हम भरोसा करें वही बीमार होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को बचने का भी प्रयास करना है। हम सब समाज से भी, सभी जनता से निवेदन है, सभी नेताओं से आग्रह है, सब मिलकर इसमें बढ़ें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और जबरदस्ती बाहर ना निकलें। ऐसा मेरा निवेदन है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक में आपको सब्जी भी मिलेगी, दूध भी मिलेगा, किराना भी मंगाएं आप, और हमारी सोसाइटी गरीबों के लिए वो भी खुलेगी, उनका उपयोग करें और जबरदस्ती बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।